और ये फिल्म देखो है जो मुस्लिम देशों में बैन कर दी गई है, जैसे पठान बैन की गई थी जिसमें प्रोपेगेंडा अंडा संडा सब घुसेड़ा गया था। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण और साथ में अनिल कपूर और सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, जिस फिल्म का नाम है फाइटर, 300 करोड़ के बजट में बनी है। इस फिल्म को ओके ओके वाला रिव्यू मिल रहा है, मैंने 3 की रेटिंग दी थी और फिल्म को आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि फिल्म में जितनी देशभक्ति दिखाई जाती है बॉलीवुड वालों की, उतनी देशभक्ति ये रियल लाइफ में कभी नहीं दिखा पाते हैं, हमेशा देश के खिलाफ ही कांड करते रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा था रिव्यू में कि दीपिका पादुकोण पठान फिल्म में ISI की एजेंट थी और सीधे इनका प्रमोशन करके इस फिल्म में उन्हें भारतीय सेना का महान फाइटर बना दिया जाता है। तो ये सब सारी चीजें परे हैं आपके समझ से, मतलब एक चीज में निगेटिव पीआर कर दो, दूसरी फिल्म में पॉजिटिव पीआर कर दो। और ये फिल्म देखो है जो मुस्लिम देशों में बैन कर दी गई है, जैसे पठान बैन की गई थी जिसमें प्रोपेगेंडा अंडा संडा सब घुसेड़ा गया था, तो यहां पर इस फिल्म को भी मुस्लिम देशों में बैन कर दिया गया है, चाहे सऊदी अरब हो, फिर उसके बाद ओमान, बहरैन, कतर, फलाना ढिमकाना, जितने भी मुस्लिम देश हैं सब देशों में बैन कर दी गई है। और बैन होने की यही वजह है कि जहां पर देशभक्ति की बात आती है और उन देशों को जरा फिल्मों में नीचा दिखाया जाता है, तो वहां पर ये फिल्में बैन कर दी जाती हैं। हालांकि उन देशों में कितनी कमाई करती कितनी नहीं करती पता नहीं था, 300 करोड़ का बजट है, पहले दिन ये फिल्म मुझे लगता है कि 1 करोड़ की कमाई करेगी, बाकी फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे, हाँ 2 बार सैटरडे बोल दिया, संडे अगर ये फिल्म ठीक ठाक चल जाती है तो भी 60-70 करोड़ की ही कमाई करेगी, इससे ज्यादा कमाई करने वाली नहीं है।